अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रमज़ान से पहले तैयारी करने के बारे में कुछ टिप्स देना चाह रही हूँ, प्रिपरेशन बिफोर रमज़ान। तो पहले आप लोग घर को डीप क्लीन करें, इससे आपको हर रोज़ काम करने में बहुत मदद होगी। तो जब आप डीप क्लीन करेंगे तो आप एक लिस्ट बना लें जिसमें आपके पास जो चीज़ें हैं उनकी और जो चीज़ें आपको ज़रूरत है उनकी, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप रमज़ान से पहले ही सारी चीज़ें ला लें। तो जब आप डीप क्लीनिंग करेंगे उसके दौरान जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप लिस्ट बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बनाया है वैसे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो चीज़ें आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है उनकी, अभी जैसे कि अभी स्कूल्स बंद हैं तो आप उन सारी चीज़ें जैसे स्कूल टिफिन्स है, बैग्स है, शूज़ है, पार्टी वेयर्स है, तो वो सारी चीज़ें आप या तो स्टोर में अलग से रख लीजिए या उन्हें रोज़ की जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं उनके साथ ना जोड़े और अलग रख लिए, ताकि आपको बार बार उन चीज़ों को साफ़ करके अपना वक्त ज़ायफा ना करना पड़े। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और आप जो जब डीप क्लीन करें तो जो कपड़े आप डोनेट करना चाह रहे हैं उन्हें भी सॉर्ट आउट कर लीजिए, और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से कपड़े आयरन कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा वक्त मिले रमज़ान में इबादत करने के लिए और आपको आसानी होगी रोज़े में। उसके बाद आप जो ग्रॉसरी आपको लानी है वो आप कोशिश करें कि रमज़ान से पहले ही ला लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारी जगहों पे ग्रॉसरी की जो है क्यू लगी हुई है, और रमज़ान है, समर है, तो आप रमज़ान के रोज़े में खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी कड़कती हुई धूप में, क्यू में। तो आप कोशिश करें कि आप रमज़ान से पहले ही सारी ग्रॉसरी ला लें, और बच्चों के लिए स्नैक्स, और अगर आपके घर में बड़े लोग हैं उनके लिए आप स्नैक्स पहले से प्रिपेयर करके रखें या ख़रीद लें जो आप सही समझें। थैंक यू, शुक्रिया। आपको मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। होप आपको मेरी टिप्स पसंद आए और आपके लिए मददगार हो।